अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सोशल मीडिया की नज़र से दुनिया को देखते हैं तो आपको यही लगेगी कि सब बड़े खुश हैं, सारे फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, ना ही कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जैसा बनना चाहते हैं 2 मिनट में बन जाते, जस्ट लाइक कि एक क्लिप से रंग गोरा हो जाती है एंड तारे चमचमाने लगते हैं, एक क्लिक से आपके सर पे ताज आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आजकल देखा जाए तो आजकल रियल मायने में शोहरत और मुकाबला चारों तरफ फैली हुई, मतलब स्मार्टनेस का, ब्यूटी का के, और यही चीज़ जो है सोशल मीडिया से आकर हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड कर रही है। असल ज़िंदगी में भी हम एक दूसरे से खूबसूरती के लिहाज से मुकाबला करना चाहते और मुकाबला में लगे हुए, बस हमारी लाइफ मुकाबला में ही बीत रही है, हम मोबाइल के गुलाम बने फिरे। आजकल टीनेजर में देखा जाए तो मोबाइल की जो आदत है इस कदर हावी हो चुकी है कि रियल लाइफ में कम और सोशल मीडिया पर मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा जी रहे, और जो हम मोबाइल पर देखते हैं उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। जस्ट लाइक हमें लगता है कि हम बस उस सेलिब्रिटी की तरह बन जाएंगे तो हमारी लाइफ सेटल है, हम हैप्पी फील करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम सोचते हैं कि बस हम उस इंसान की तरह बन जाएंगे तो हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगी, बस हमें उस इंसान की तरह बन जाओ, यही सोचकर हम एक दूसरे को कॉपी करने में लगे और हमारी जो लाइफ है इसी कसमकस में गुजर रही, जो कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी और बेचैनी से भरी होती है। सो यू रिमेंबर, नेवर सी द वर्ल्ड विद द आई ऑफ सोशल मीडिया। मोबाइल चलाए बट उतना ना चलाए जितना कि हमारी लाइफ को ही डिस्ट्रॉयड कर दे। जितना टाइम हम मोबाइल पे रील्स देखने में लगाते, एक दूसरे को कॉपी करने में बिताते हैं, उतना टाइम अगर हम दीन सीखने में लगाते, कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में लगाए ना, तो हमारी लाइफ में जो बेचैनी है, जो डिप्रेशन एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, हम सुकून फील करेंगे और अल्लाह तबारक तआला के और भी करीब होंगे, तब जाकर हमारी जो लाइफ है और जो सुकून से बीतेगी और हमारी जो आखरत है वो भी कामयाब होगी और दुनिया तो कामयाब होगी होगी। अगर हम ऐसे ही मोबाइल यूज़ करते रहें तो हमें क्या होगी कि दुनिया में भी हम बेचैन रहेंगे और आखरत में भी हमें गुनाह होगी, मतलब इसका अजाब हमें दिया जाएगी।